मैं ज्योति अपना लाइव डॉट न्यूज से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, गजल की ये पंक्ति उस समय चरितार्थ हो गई जब हमारे बेगूसराय बीओसी पंकज भट्ट को पता चला कि बेगूसराय के तमाम प्रखंड में शौचालय निर्माण में बड़ी गड़बड़ी है। जब हमारे बीओजी ने इस बात का पता करने बलिया अनुमंडल के डंडारी प्रखंड में पहुंचे तो वहां का माजरा ही कुछ और था। डंडारी प्रखंड के विकास पदाधिकारी आम जनता को अपने कार्यालय से अपमानित करके बाहर निकालते ही हैं, ये तो आम जनता की बात है, यहाँ तक कि जनप्रतिनिधि की भी कमोवेश ऐसी ही स्थिति है। और जब इस समाचार को सबसे पहले अपना लाइव ने टीम ने प्रसारित किया तो खुल के सामने आई। सबसे पहले एंटी करप्शन इंडिया जो कि एक सामाजिक संगठन है, उन्होंने भ्रष्टाचार व कमीशनखोरी में लिप्त पदाधिकारियों के खिलाफ बिगुल फूंक कर आम जनता और जनप्रतिनिधि के सामने एक आशा की किरण लेकर आई है। सैकड़ों की तादाद में लोगों का समर्थन प्राप्त किया है और शुरू हुई जबरदस्ती ODF घोषित प्रखंड का पोल खुलना। आइए जानते हैं इसके आगे क्या होगा। मैं इस समय डंडारी प्रखंड को सब डिवीजन बलिया के अंतर्गत आता है, बेगूसराय जिला के अंतर्गत है प्रखंड डंडारी। और यहाँ के जन समूह का यहाँ पे बैठने का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि यह जो प्रखंड है यहाँ पे कमीशन खोरी जैसी बातें हो रही है, भ्रष्टाचार से संलिप्तता की बात मानी जा रही है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले दिनों माननीय मुखिया जी का भी यहाँ से कुछ कंप्लेन गया था जिसको आप लोगों ने देखा भी होगा। हम आइए यहाँ पे एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से जो ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया है, मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ, उनसे कुछ बातें पूछता हूँ कि आखिर यह धरना प्रदर्शन की नौबत क्यों आती है। जी आपका स्वागत है, आप बताएं कि आप तो एंटी करप्शन के राज्य अध्यक्ष हैं, बिहार राज्य के अध्यक्ष हैं। आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि आज का ये धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, लोगों की शिकायत है कि इंदिरा आवास हो, चाहे शौचालय हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, तमाम में इनके जो एजेंट है, इनके दलाल है, कमीशन मांगते हैं। अगर कोई आदमी इनसे शिकायत करने के लिए जाता है तो उनको धक्के मार के भगा दिया जाता है। इसका एक उदाहरण सेठ पोद्दार है जो कि स्वच्छता योजना में काम किया था और इनसे जब भुगतान की राशि मांगने के लिए गया तो BDO साहब खुद और उनके अंग रक्षक ने उनके साथ मारपीट किया और थाने में जाके लिखित शिकायत सेठ पोद्दार ने दिया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तब न्यायालय में जाकर इस BDO और उनके अंग रक्षक पर मुकदमा किया। BDO साहब पर आपने मुकदमा दर्ज कर दिया। यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने से पहले BDO साहब से ऊपर के पदाधिकारी से बात हुई थी इस संबंध में आपकी? जी, इसके संदर्भ में कई एक बार ऊपर के पदाधिकारी से बातचीत हुई, लेकिन ऊपर के पदाधिकारी भी सुनने को तैयार नहीं। यहाँ के DM साहब ODF तो कर दिए, लेकिन यहाँ शौचालय बनाए जैसे तैसे लिखा के और ODF कर दिया गया, लेकिन अभी भी जनता जो सामने जो धरना पर बैठी हुई है उनसे पूछ लिया जाए, ये खुद बताएगी कि इनका शौचालय बना ही नहीं और ना ही भुगतान हुआ। इंदिरा आवास के बारे में भी सुन लिया जाए, प्रधानमंत्री योजना से जो ये बनता है, घर बनता है, उसमें भी बिचौलिया इनका बहुत सा आधा पूरा घर बना के छोड़ दिया है और इनसे कमीशन मांगा जाता है। जब ये BDO साहब के और ये ऊपर के पदाधिकारी के यहाँ ये लोग जब जाते हैं, इनको धक्के मार के भगा दिया जाता है, BDO साहब छुट्टी लेके चले। पिछले दिनों जब यहाँ से एक कंप्लेन गया था, मैं आप लोगों को पुनः बताना चाहूंगा कि जब यहाँ से माननीय मुखिया जी का कंप्लेन गया, हमारे चैनल के माध्यम से उसे हाईलाइट किया गया और मैंने जब खुद स्वतः मैं अपने से BDO साहब से फोन पे संपर्क साधा तो BDO साहब ने कहा कि मैं अभी छुट्टी पर हूँ, छुट्टी से आने के बाद ही कोई
प्रतिक्रिया जाहिर कर सकता हूँ। आइए मैं आपको यहाँ के कुछ जनता से मिलवाता हूँ। आपको नहीं मिलता है? क्या नहीं मिलता है? वृद्धा पेंशन कितने दिनों से बंद हो गया? शौचालय वाला पैसा मिला? जोर से बोलिए। शौचालय का पैसा नहीं मिला? पैसा लिया भी जाता है? लिखने वाला कितना लेता है? कितना में? 2000। बैठाना कितना मिलता है? 12000 में 2000। लकड़ी बनाया हुआ 2000 रुपया मांगता है। धूप बोलता है तो बीच में लेगा तो सब मिलेगा। मिला शौचालय का? क्यों नहीं मिलता है? मैं कल से बोलो बोलो हम नहीं जानते हैं। वो पैसा वैसा भी मारता है। ये क्यों यहाँ खड़े हैं? यहाँ इसलिए खड़े हैं कि एंटी करप्शन का जो आज का धरना का कार्यक्रम था और ये जिस समय जिस दिन से बीडीओ साहब आए हैं इनका जो तानाशाही रवैया है इससे जनता त्रस्त है। और हम लोगों को जो इंदिरा आवास मिला है उसमें भी ये मोटी रकम मांगी जाती है और उसमें इंदिरा आवास सहाय है। पैसा कौन मांगते हैं? ये पैसा जो है सो दलाल के माध्यम से मांगा जाता है और इनका हर एक पंचायत में दलाल सीट है और वो दलाल जो है सो इनके सेटिंग में रहता है। और ये नहीं है जितनी भी योजनाएं चल रही है खास करके जनरल में वो सारे जगह वीडियो का कमीशन रहता है सारे लोगों का और ये सारी मीडिया भी और जितना तंत्र है सबको मालूम है। लेकिन इसके खिलाफ मजबूती से इंटीग्रेशन जो किया है इससे उम्मीद बन गई है हम लोगों को आगे आने वाले दिनों में इसकी लड़ाई और लंबी लड़नी पड़ेगी ताकि ये गरीब जनता का जो दोहन होता है और वो दोहन नहीं होता है। साथ में चल रहा इसलिए किसी को शौचालय का पैसा नहीं मिलता है, किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, किसी को इंदिरा आवास नहीं मिलता है। पहले बताया है इनका पहले 14 साल 14 साल पहले तो पैसा मिल चुका है, इस साल भी मिलेगा। लेकिन बिल्कुल साहब जो बोले हैं उन्हें सबको मिलेगा जो मना चुके हैं उनको भी मिलेगा।